मेरे शिवांश बड़े दिल वाले भी हैं। कूल डूड रहने वाले शिवांश नरम दिल के इंसान भी हैं। जी हाँ, आज इन्हीं बातों को सच साबित कर दिखाया है शिवांश ने। दरअसल शिवांश की टीम के एक मेंबर हनी की मम्मी की तबीयत खराब है और जब ये बात शिवांश को पता चलती है तो वो अपने मैनेजर से बोलकर हनी के घर जाने के सारे इंतजाम करवा देता है और हनी इस बात के लिए शिवांश का शुक्रिया अदा भी करते हैं। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मां के लिए जो किया जाता है ना उसे एहसान करना नहीं, ध्यान रखना कहता है। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकते हैं। मेरी माँ की बहुत बड़ी फैमिली, उन्हें पता चलेगा कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है वो तो इसी खुशी से ठीक हो जाएगी। मेरी तरफ से जब माँ से मिले उन्हें मेरा हाय बोला। शिवांश के मैनेजर अभी उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और एक्शन का नाम सुनते ही शिवांश के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और शिवांश प्रोजेक्ट को करने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन कोई कोई देखता है। हाँ। एक्शन फिल्म हर कोई देखता है। हाँ, पंकज कोहली भी तो एक्शन फिल्म करता है, इसीलिए तो उसकी फिल्म का कलेक्शन आपकी फिल्म से ज्यादा है। हाँ भाई, हमें ऐसा लगता है कि ये एक्शन फिल्म करनी चाहिए। एक्शन नहीं करता क्योंकि मैं गन नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? नथु अभी की बातों पर भड़कते हुए उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक्शन से शिवांश को क्यों डर लगता है, लेकिन शिवांश नथु को बीच में ही रोक देते हैं। गन से डर लगता है? गन से डर लगता है भाई को? इसमें असल क्या बात है? खन्ना गन से डर लगता है, ये असल बात है। हाँ तो हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। तुमको गन से लगता है, इनको कॉकरोच से लगता है, हमको लड़की से लगता है और भैया जी को गन से लगता है। तो अरे नहीं भैया जी, हमको बोलने दो, इनको पता नहीं है सच्चे, इसलिए ये लोग हंस गए। जब इनको पता चलेगा कि आप एक्शन मूवीज क्यों नहीं करते तो चुप। चलिए अब सीधा चलते हैं अभी के पास और उनसे सबसे पहले जानते हैं कि उन्हें इस शो का हिस्सा बनकर कैसा लग रहा है। यादें काफी हैं इसलिए साथ में यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि जो चीज होती है और जो चीज एक आपके मतलब चिड़ियाघर मेरे दिल के बहुत करीब है और एक साल हो गया उसे बंद में, तो काफ़ी दर्शकों ने प्यार किया और आज मैं इश्कबाज का हिस्सा हूँ और मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आज मतलब इतने बड़े एक्टर्स के बीच में हूँ और उनसे सीख रहा हूँ। अभी ने अपने कैरेक्टर के बारे में भी हमसे बात की और साथ ही शो की टीम को काफ़ी सपोर्टिव बताया। एक नया कैरेक्टर है, थोड़ा फनी है, थोड़ा कूल है, एक प्लेफुल नेचर का है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। नकुल भाई से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बाकी लोग भी बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत टीम अच्छी है यहाँ की और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और फन है, मज़ा आ रहा है। कैरेक्टर का नाम है अभी, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, शिवांश सिंह का मैनेजर प्ले कर रहा हूँ, तो वही सारी कुछ उनका सब मैनेज करता है मतलब जस्ट लाइक आप तो देख ही रहे हैं एपिसोड में। वेल, शिवांश के एक्शन फिल्म ना करने के पीछे जरूर उनके अतीत से जुड़ा कोई राज है जो जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए आपको करना होगा यू म्योर टीवी की अगली अपडेट का वेट। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।